नमस्कार। ऑनलाइन वीडियोस की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इन वीडियो की श्रृंखला में प्रयास किया जा रहा है कि हर वीडियो में एक विशेष समाजशास्त्रीय संबोध के विषय में चर्चा की जाए, और इस श्रृंखला में आज हम एक और महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय संबोध की बात करते हैं। इसे समाजशास्त्री शब्दावली में सामाजिक नियंत्रण कहते हैं, अंग्रेजी में सोशल कंट्रोल कहते हैं, और हम सभी अपने जीवन में इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित होते हैं। इसका कारण ये है कि जन्म लेने के बाद से ही परिवार में एक बालक को समाजीकृत किया जाता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसे सिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो व्यवहार किया जाए जो समाज स्वीकृत हो, समाज मान्य हो, और इसी श्रृंखला में उसे नियंत्रण का पाठ सिखाया जाता है कि किस तरीके से उसका व्यवहार नियंत्रित रहे जो समाज उपयोगी बनने में उसकी सहायता कर सके। यूं तो आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की बात करी जाती है, और बार बार छोटी छोटी बातों से ये अभ्यास कराया जाता है कि अपनी भावनाओं को, अपनी चेष्टाओं को कंट्रोल किया जाए, उन्हें संयमित किया जाए। लेकिन जब बात समाज की होती है तो ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति उससे जुड़े, और जब जुड़ने की बात आती है तो ये सब पर ही लागू होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया जाए, वो नियम व्यवस्था का पालन किया जाए, जिससे कि समाज में व्यवस्था सुचारू बने, व्यवस्थित बने और सबके लिए उपयोगी बने। इसीलिए प्रत्येक संस्कृति में कुछ निश्चित मानदंड या मानक बनाए जाते हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को उचित बनाने में, सही बनाने में और उसे मर्यादित बनाए रखने में सहयोग करते हैं, और उन नियंत्रित मानकों द्वारा, मानदंडों द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। संपूर्ण समाज में एकता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं और सबके अपने अपने तरीके हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के। यदि सभी लोग अपने ही ढंग से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो यकीनन समाज में व्यवस्था बनी रह पाए ये संभव नहीं हो पाता। इसीलिए किसी भी समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ निश्चित तकनीकें या रणनीति बनाई जाती है, जिससे कि उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, और उसे ही सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। इसीलिए समाज में सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समाजशास्त्र में भी इसे महत्वपूर्ण मानते हुए मैकाइवर का कहना था कि समाजशास्त्रीय साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग सामाजिक नियंत्रण का विवेचन करता है। ई ए रॉस अमेरिकन समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस दिशा में विशेष प्रयास किया और अपनी कृति सोशल कंट्रोल में, सोशल कंट्रोल के बारे में यानी कि सामाजिक नियंत्रण के बारे में व्यवस्थित विचार प्रकट किए। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप बनाया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि उनके द्वारा वो कार्य किया जाए जो कि समाज के नियमों के अनुरूप हो, मानकों के अनुरूप हो, ताकि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रख पाना संभव हो सकता है। इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित रखता है और जिससे कि समाज में संतुलन, दृढ़ता और एक रूपता कायम रह सकती है। इसीलिए ही बार बार सामाजिक नियंत्रण की बात को दोहराया जाता है, ताकि समाज के जो व्यवस्था है उसका जो संतुलन है उसमें जो दृढ़ता है वो बनी रह सके। चलिए अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो मैकाइवर और पेज का कहना है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा ये समस्त
व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। देखिए, ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि इसके द्वारा यानी कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा कि समस्त व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में रहती है। संतुलन कैसा है? जो परिवर्तनशील है। कारण क्या है? जो कि समय के अनुरूप बदलता रहता है। समय के अनुरूप बार बार परिवर्तन की मांग उठती है और परिवर्तन किया भी जाता है, लेकिन परिवर्तन भी सकारात्मक दिशा में जब ही किया जाता है जब वो बहुत बड़े वर्ग के लिए लाभकारी होता है, और उस दौरान भी नियंत्रण का ख्याल रखा जाता है। रॉस कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है। अपने अनुरूप बनाने का भी अर्थ यही है कि वे नियम और व्यवस्था के अनुरूप उसको बनाए। ऑकबर्न और निमकॉफ का कहना है कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने में उपयोग में लाया जाता है उसे सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यानी कि समाज शास्त्रियों ने अनेक प्रकारों से अपने अपने शब्दों में यही बात कहने का प्रयास किया है कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज में नियम और व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। देखिए, नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि सभी लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्थित रूप से कार्य करें और सभी के द्वारा किया गया कार्य उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में उनकी मदद करें। ये नियम चाहे मानक के रूप में हो या मानदंड के रूप में हो, वो एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। और जब सभी व्यक्तियों के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि उसका लक्ष्य वो प्राप्त कर सके, तो ये जरूरी है कि यदि सभी व्यवहार नियंत्रित होकर के होंगे या सभी अपने व्यवहारों को संयमित रूप से करने का प्रयास करेंगे, अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे, तो लक्ष्य को प्राप्त करना सरल और संभव दोनों हो सकता है। हालांकि ये कठिन रूप से देखने को मिलता है और इसीलिए कई बार संघर्ष की स्थिति का भी सामना हमें करना पड़ता है और हम समाज में देखते हैं। फिर भी समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण संबोध के रूप में जब बात सामाजिक नियंत्रण की जाती है तो यही प्रयास किया जाता है कि व्यक्तियों के द्वारा वह कार्य किया जाए जिससे कि समाज में नियम और व्यवस्था बनी रहे, ताकि समाज में एक दृढ़ता के संग में एक सुदृढ़ समाज की स्थापना हो सके। इसीलिए बात उठती है कि आखिर सामाजिक नियंत्रण की क्या आवश्यकता है या इसका क्या महत्व है। तो हम बात करते हैं संस्कृति की रक्षा की। जी हाँ, संस्कृति जो कि सीखा गया व्यवहार है, अभौतिक और भौतिक रूप में दिखाई देती है, लेकिन दोनों ही प्रकार से संस्कृति की रक्षा तभी संभव होती है जब सामाजिक नियंत्रण समाज में देखने को मिलता है। व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित रखता है, नियमों का पालन करता है और अपनी संस्कृति की रक्षा में अपना सहयोग देता है। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा भी इसी की ही देन होती है। सामाजिक सुरक्षा में सभी व्यक्तियों को एक सुरक्षा का भाव अपने समाज में मिलना तभी संभव है जब वह इस बात के लिए निश्चित होता है कि हाँ, उसके द्वारा किया गया व्यवहार समाज में नियंत्रण की स्थापना में सहयोग करेगा, दूसरे की मदद करेगा। आप सोचिए कि अगर हमें किसी बात की आवश्यकता है या किसी कार्य में किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग चाहिए होता है, तो अगर उसके सहयोग के लिए हम आश्वस्त नहीं हों, अगर हमारे पास ये सुरक्षा नहीं हो कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हम अपनी बात कह सकते हैं, वहाँ हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, वहाँ हम दूसरे से सहयोग मांग सकते हैं, तो क्या हमारे लिए संभव हो सकता है कि हम हमारा जीवन सरलता से जी सकें? शायद नहीं। इसीलिए आवश्यकता है कि समाज में सुरक्षा हो, व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और ये तभी संभव है जब वह सामाजिक नियंत्रण का पालन करें। अगर बात करें सामाजिक नियमों को बनाए रखने में, सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने में, तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोगों के बीच एकता की। यह एकता उस विश्वास के रूप में प्रकट होती है जो लोग सामाजिक नियंत्रण के प्रति रखते हैं कि यदि
समाज में नियम और व्यवस्था बनाए रखनी है तो सबको मिलकर के कार्य करना है, एकता की स्थापना करनी है और उसी एकता से समाज में नियम और व्यवस्था को बनाए रख पाना सभी के लिए संभव हो सकता है, जिसके लिए लोगों में पारस्परिक सहयोग होना बेहद आवश्यक है। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होना, मंगल कामना होना, देखिए संघर्ष होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उसमें किसी का नुकसान ही करने का लक्ष्य होगा तो शायद उसमें हमें कुछ प्राप्त अच्छा हो ऐसा संभव कठिन है। इसीलिए आप अपना काम करिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए बिना इस बात को ध्यान में रखें कि किसी और का नुकसान हम करें, बल्कि प्रयास ये करें कि हम अपने विकास के संग में वो अच्छे तैयारी कर सके कि हम किसी और की भी मदद कर सके, और ये तभी संभव है जब सामाजिक नियंत्रण के प्रति हमारे भी विचार उसी एकता के संग होंगे जैसा कि समाज में देखने को मिलती है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण करने की। जी हाँ, क्योंकि व्यक्ति ही जिम्मेदार है इन सब व्यवहारों को करने के लिए, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो संघर्ष है, चाहे वो ईर्ष्या है, ये सारे संवेग मनुष्य के जीवन में होते हैं जिससे वो गुजरता है और जिसका वो सामना करता है, लेकिन उन पर नियंत्रण स्थापित करना व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि इस बात को हम सभी जानते हैं कि क्रोध से किया गया कार्य कितना खुद के लिए लाभकारी हो सकता है या किसी और के लिए हो सकता है, ये सोचने का विषय है। जबकि वही कार्य यदि शांत चित्त से एक मन को कंट्रोल करके प्लान्ड वे में किया जाएगा तो वो खुद के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है और उस समस्या का समाधान निकालने में भी सहयोग प्रदान कर सकता है। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, या यूं कहूँ इसका सबसे बड़ा महत्व भी यही है कि व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के कुछ स्वरूपों की, यानी कि कुछ निश्चित प्रकारों की। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की चर्चा की है। कूले ने इसे चेतन और अचेतन नियंत्रण के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। C.H. कूले ने कहा कि जो आपको व्यवहार को नियंत्रित करने के चेतन प्रक्रियाएं दिख रही हैं, जागरूक प्रक्रियाएं दिख रही हैं, जिसमें कानून भी सम्मिलित है, नियम सम्मिलित है, जो आपको जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं, कॉन्शियसली आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, वो भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रकार है। और हमारे ऊपर कई अचेतन प्रक्रियाएं कार्य कर रही होती हैं जिन्हें हम स्वाभाविक रूप से ही अपना लेते हैं। मानक, मानदंड, मापक, ये सभी हमारे व्यवहार को अचेतन रूप से नियंत्रित करते हैं, तो कूले ने इन्हें चेतन और अचेतन नियंत्रण के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया। किम्बल यंग ने इन्हें सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब अच्छा कोई कार्य किया जाता है उसके लिए एप्रिसिएशन मिलती है, पुरस्कार मिलता है, और जब कोई गलत कार्य किया जाता है तो दंड की व्यवस्था समाज में की गई है। तो सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति को अच्छा कार्य करने के लिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, जबकि दंड की व्यवस्था नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने में सहयोग करती है। कार्ल मैनहेम ने इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के रूप में स्थापित करने के लिए स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जब आप पर डायरेक्ट कंट्रोल है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो राज्य का है, तो वो आप पर डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित कर रहा है, प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर रहा है, जबकि अप्रत्यक्ष नियंत्रण आप पर अनकॉन्शियसली, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपके व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं या आप रोड्स पर चलने के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आप पर प्रत्यक्ष कंट्रोल
हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस कर रही है, आप उसके लिए जागरूक हैं, प्रत्यक्ष हैं, अवेयर हैं इस बात के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप मन से कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं या कुछ गलत विचार रख रहे हैं, तो वो भी अप्रत्यक्ष आपका मन आपको मना करता है, आपको रोकता है, आपको कहता है, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण की श्रेणी में आता है। गुरविच और मूर ने इसे संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण के रूप में स्थापित किया। लेकिन सामान्य रूप से हम जिस नियंत्रण के प्रकारों को समाज में देखते हैं, उसे औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की श्रेणी में विभाजित किया गया है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है, जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है, जो औपचारिक है, यानी कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल, जो कि राज्य, सरकार या किन्हीं औपचारिक संस्थाओं के द्वारा अपने सदस्यों के ऊपर उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है या स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। यानी कि जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि राज्य, सरकार या कोई औपचारिक संस्था लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाती है, स्पष्ट करती है, तो उन नियमों का सदस्यों पर एक बाध्यता मूलक प्रभाव पड़ता है, वो फोर्स्ड होते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल कैटेगरी में है कि यदि ऐसा नहीं किया तो इसके लिए इस प्रकार के दंड की व्यवस्था की है, यदि इस प्रकार के व्यवहार से ऐसा नुकसान है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। तो चोरी करने पर या कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए जो कि कानून की परिभाषा में सही नहीं ठहराया जाता है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था है। सरकार के द्वारा जो नियम है उनका पालन नहीं किया जाता तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। तो ये व्यक्ति के ऊपर एक बाध्यता मूलक प्रभाव डालते हैं। इन नियमों के पीछे इन्हें पारित करने वाली संस्था या संगठन की शक्ति होती है, और साथ ही जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करते हैं उन्हें दंड करने की व्यवस्था भी पाई जाती है। जबकि और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण यानी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल वह है जो कि, या यूं कहूँ, जिसमें जन रीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, आदतें, विश्वास, धर्म और नैतिकता सम्मिलित होते हैं। ये व्यक्ति और समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं और सामाजिक नियमों का पालन करते समय समूह कल्याण या जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हैं। इनके लिए निश्चित नियम आपको रिटन फॉर्म में भले ही ना मिले, लेकिन फिर भी ये इतने इनफॉर्मल हैं कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और व्यक्ति इनका पालन करने के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण वो प्रकार हैं जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी स्वीकृत किए गए हैं, और हम हमारे सामान्य जीवन में इनके द्वारा अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।